दिल्ली में है ना ये ब्रांच, वहाँ पे ना इस जगह पे खाने की वेटिंग चलती है, लॉट ऑफ पीपल लव। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, रिचनेस होती है इलायची की, फुल मिठास हल्की, मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ, थ्री टू वन। सत श्री अकाल जी, किस तरह? इस तरह है जी, मैं हूँ आज जिस कॉम्प्लेक्स में ना, इसे कहते हैं रोडियो ड्राइव गुड़गांव में, और यहाँ पे एक जगह है। पहले जगह के बारे में बताने से आपको, आई वॉन्ट टेल यू अबाउट दिस प्लेस इन अ वे दैट, जो दिल्ली में है ना ये ब्रांच, वहाँ पे ना इस जगह पे खाने की वेटिंग चलती है, लॉट ऑफ पीपल लव। लोधी रोड पे जगह का नाम है MI फूड सेंटर। अब ये जगह है पुरानी दिल्ली स्टाइल खाना वाले लोग, समझ रहे हो, मतलब मुगलई क्यूजीन है एंड मुगलई ग्रेवीज इनकी कमाल है। पास में गए तो बहुत समय पहले। अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ, पता मैं स्पेसिफिकली क्यों आया हूँ, इज़ ओनली बिकॉज दे हैव अ लाइव काउंटर, चार हांडियाँ हैं जिसमें इन्होंने मटन निहारी, गर्मा गर्म तैयार मटन निहारी, उसके साथ साथ मटन कौरमा, ये बहुत फेमस होती है डिशेस, कॉमन है बट फेमस भी है, लोग सबसे ऑर्डर ही करते हैं, साथ में चिकन कौरमा, सो द वंस हु लव चिकन कौरमा का फ्लेवर पूरा पूरा चिकन में, एंड साथ में बिरयानी, हाँ बिरयानी, चारों हांडियाँ लाइव है। उस लाइव काउंटर के आगे एक और लाइव काउंटर है जो है अंगीठी वाला काउंटर। दोपहर के समय आया हूँ, अंगीठी बाय द वे मैंने ऑर्डर करी है मच्छी सुरमई और साथ में किया कबाब अपने मसाले वाले। ये जगह है उन लोगों के लिए जिनको पुरानी दिल्ली की याद आती है और वो खाना नहीं खा पाते, और हर बार पुरानी दिल्ली जाना हल्का सा मुश्किल होता है, आपको पता है बहुत भीड़ भड़कम वाला एरिया। करना क्या, मिलना है, कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है, कुछ कई सब चीज़ें ऑर्डर कर लेंगे, थोड़ी गप्पे शप्पे, थोड़ा एंटरटेनमेंट, उसके बाद एक सच्चा रिव्यू। वीडियो के अंत तक बन रहना, पानी आएगा। गाइज, MI फूड सेंटर, ये देख रहे हो जी सामने, यह है लाइव अंगीठी जहाँ पे सारे कबाब टिक्के हैं। क्या हाल है सर साहब, कैसे हो? बस सर बढ़िया बढ़िया। गाइस फ्रेशली मैरिनेट वगैरह हो रहा है साहब के साथ। अच्छा, ये मटन का वो है मसाला? जी सर, मटन सीख कबाब का कीमा है सर। क्या बात है, देख रहे हो गाइस, एक मिनट शॉट हो रही है, ऐसे देखो, वाह जी वाह। और यहाँ देख लो पूरे प्रॉपर तरीके से, ये टिक्के टुक्के लग रहे हैं जी। जी सर, मलाई टिक्का है सर, चिकन टिक्का, फिश टिक्का। फिश कौन सी है? ये है सर, कहीं हमने ऑर्डर किया हुआ फिश, एक बार रखना वापस मुझे। ये देख लो जी, बहुत बढ़िया। आ रहा हूँ सर कबाब देखते हैं, ठीक है? हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया सर। बढ़िया हो? पहले एक बार अच्छी तरह से देखने से पहले शॉट लेते हैं कहाँ पे अच्छा रहा है। हाँ चलो, ये क्या है जी, इसमें बिरयानी दिखाना निकाल के। हाँ जी, ये देख लो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है शेफ साहब, आगे चलते हैं। हाँ जी शेफ साहब, चिकन कौरमा। चिकन कौरमा, वाह जी वाह। सो ये कितने रुपये का है? 150 के दो पीस। दो पीस गाइस, बहुत रीजनेबल है, 150 रुपए के दो पीस चिकन कौरमा, अच्छे तरह पुरानी दिल्ली स्टाइल। आगे आ जाओ जी, ये हो गया मटन, मटन कौरमा सर, ये हो गया मटन कौरमा, मटन कौरमा। अरे वाह, शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अब बात, अब आगे 220 रुपए का जी, दो पीस। दो पीस ठीक है। और आखिरी निहारी, मटन निहारी। अरे वाह, ये हमारी फेवरेट है। आपकी फेवरेट है निहारी? हाँ। अरे वाह, ये भी नली निहारी, ठीक है जी। एक बार फिर से निकालना है बाहर, लोगों को अच्छे से दिखाना है, गाइस ग्रेवी कंसिस्टेंसी वगैरह देख लो अच्छे से। सो ये कितने की है? 220। अच्छा, इसका भी सेम रेट है जी, बहुत ही बढ़िया। गाइस ये तो हो गए लाइव काउंटर्स, वो हो गए अंगीठी, और यहाँ पे मैनेजर साहब कैसे हो? बढ़िया सर, सब ठीक ठाक है जी सर। हैं गाइस, इस तरफ है तंदूर और खमीरी भी है ना अपने पास? खमीरी भी मिल जाएगी सर, तो खमीरी भी खाएंगे यार, ठीक है ठीक है। जी जी सर, कबाब लगा रहे हो? आया जी सर, लगाओ जी लगाओ। गाइस ये देख लो ऐसे एक बारी, ये देख रहे हो फिश, फिश टिक्का, चिकन बर्रा। अच्छा, चिकन बर्रा, चिकन बर्रा किसके लिए लगाया जी सर? आपके लिए सर। मेरे लिए लगाया जी सर, मैंने ऑर्डर नहीं किया था। चलो ठीक है, कोई नहीं सर। सो चिकन बर्रा, एक मिनट दिखाई दो फिर कर रहा है तो अच्छे से ना, ऐसे करना थोड़ा भी इसका। हाँ हाँ गाइज, मैं ना आपके सामने ही बताता हूँ कैमरे में किस तरह से मैं शॉट्स लेता हूँ, लोगों को क्या क्या बोलता हूँ करने के लिए, ताकि आपको समझ। और गाइज इस तरफ लग रहे हैं कबाब,
डेली खुले हम लोग? बिल्कुल सर, डेली खुला है। टाइमिंग क्या अपने? 11 से 11, ट्यूसडे अपना 4 बजे खुलता है। अच्छा, वो डिलीवरी वगैरह पोर्टर सब हो जाएगा ना? डिंजो वगैरह से करा देते हैं, जो दूर का ऑर्डर होता है। ध्यान रखना, पुरानी दिल्ली का टेस्ट होना चाहिए दादा, लोग ये मिस करते हैं। वही टेस्ट मिलेगा सर, है ना। चलो अच्छा, करें इसको शेफ साहब। जी सर, ये अपना है सर मटन सीख कबाब। अच्छा, ये ऐसे 4 पीस देते हैं और ये मक्खन जाएगा। योगा जी, फिश कितने पीस आते हैं प्लेट में? ये सर अपना फुल प्लेट में 12 पीस आते हैं। ये हाफ प्लेट है? जी सर। और अब ये फुल हो गई है? जी सर, फुल हो तो गई। तो फुल 12 पीस हो गए। जी सर। ये अपना अच्छा, ये प्रॉपर मक्खन डालते हुए देख रहे हो जी। हाय हाय हाय। शक्ल देख रहे हो गाइस। हाँ हाँ हाँ। यार एक बात कर रही थी, कई लोग मुझे बहुत ज़्यादा पेड करते हैं। ये बिल्कुल पेड वीडियो नहीं है, जस्ट बिकॉज आई ट्राइंग कवर नॉट स्ट्रीट फूड ओनली। तो लोगों का मैं रेस्टोरेंट लगता है कि पेड है, रेस्टोरेंट तो पेड है, प्लीज़ ऐसे मत समझिए। आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर पीपल हु आर पैशनेट अबाउट फूड एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। बस और बस यही है यार, अच्छा खाना दिखाना मेरा काम है। और हाँ, अगर खाना अच्छा ना लगे तो आप बोलिए कि ये खाना अच्छा नहीं, आपने गलत रिव्यू दिया। अगर खाना अच्छा आपको मिल रहा है और आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, इज़न दैट गुड यार, है ना। चलो एनीवे, ग्रेवीज पे चलते हैं। हाँ जी सर, सर चले ग्रेवीज डालते हैं जल्दी जल्दी, और बिरयानी भी डालते हैं, लोगों को दिखा दें एक बार। है अब अच्छे से देख लेना गाइस, पिछली बार ना दे रहा था शॉर्ट में। चिकन कौरमा बहुत ही बढ़िया, मटन कौरमा है अभी फ्रेशली तैयार हुआ सब कुछ? जी बिल्कुल फ्रेश, डेली डेली तैयार। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आहा, ये मटन निहारी के फैन पता है कितने हैं। अच्छी मटन निहारी थोड़ी मुश्किल होती है ढूंढनी, पर जब मिल जाती है ना तो बंदा वहाँ का सगा हो जाता है। और आखिरी है जी बिरयानी। बहुत ही बढ़िया गाइस, ये वापस हम सॉरी चिकन बर्रा के लिए आए हैं। हाँ हाँ, लो 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 जी, अब भूल ही गया था, ये भी है। ये होता है एक डिफरेंट टाइप ऑफ बर्रा, जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है, चटपटा वगैरह। सम पीपल प्रेफर दिस वन, सम पीपल प्रेफर वो वाला जो एक्चुअल बर्रा नहीं होता, वो पानी में जो सोख करके रखते हैं 2-4 दिन। ये पूरा मक्खन मक्खन के साथ, ये देख लो जी। क्या बात है, वेरी वेल, थैंक यू शेफ साहब। क्या हाल है? बस बढ़िया सौरभ भाई। इधर आओ, इधर थोड़ी इधर लाइट आ रही है बढ़िया सी। हाँ, ये है जोहित भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, काफ़ी समय से जानता हूँ मैं इनको। पहला वीडियो बनाया था आपका लोधी रोड का, वहाँ तो टाइम नहीं होता? नहीं बिल्कुल नहीं। है ना, यहाँ कैसा चल रहा है इस टाइम? बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा आपने जो लाइफ काउंटर वाला काम किया, वेरी गुड जी। खाना मेरा लग गया आपके पीछे, दिखा दो एक बार लोगों को। बिल्कुल दिखाइए, बाकी नोएडा भी हो गया अपना। अच्छा, नोएडा में भी आ गए जी, यहाँ दिख रही ना, अभी आपको गाइस टेबल पे दिखाता हूँ अपने। हाँ जी, मुगलई खाना यार आसान नहीं होता खाना, पता है मैं डेली खाता हूँ ना। आई नो आई एम कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, बट आई मेक श्योर टू रन एवरी टाइम। सॉरी दिल बी बिट फ्लाइज आर आउटडोर में हूँ। एनीवे, खाना चालू करते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। ये है जी इनकी मच्छी, ये देखो, ठीक है, ये देख रहे हो। हाँ 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 हाँ, पीस, क्या बात है। चटपटा काम होता है ना मच्छी का, एंड द वेट मेल्ट्स। जब कुछ शक्ल नहीं बता रही यार, दी ओनली थिंग इज हल्की और करारी होती और मज़ा आता, बट मुझे अच्छी लग रही है टोटालिटी। बहुत हल्की सी और करारी होती ना फ्रॉम इनसाइड, आई वुड हैव एंजॉयड मोर, बट फॉर नाउ इवन दिस इज अमेजिंग। आई लाइक हरी चटनी, अगर वो मूली रखते ना, जो मूली का लच्छा होता है वो और अच्छा लगता, बट उसके अलावा हैप्पी। दो तीन छोटे फीडबैक्स हैं, जो छोटी चीज़ें हैं बट उनके इम्पैक्ट बढ़े हैं, उनमें वर्क हो जाना तो परफेक्ट काम हो जाता है, है कि नहीं है? हाँ जी, आ जाओ। ये देखो जी, ये है जी कबाब, अच्छा नहीं लग रहा है, ये लो। 3, 2, 1,
भूल जाता हूँ कई बार, सीरियसली सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। ये है ओल्ड दिल्ली स्टाइल, कोई दो राय नहीं है, स्पाइसी, पता है दिस राइट अमाउंट ऑफ फैट इन इट विच विल इंश्योर कि सीख टेंडर हो, इट इज़ परफेक्ट कुक कुक नाइसली, मुँह में जाके खुल रही है। ये देखो जरा इसकी थिकनेस देख रहे हो, पतली है तो बाइट का पता ही नहीं चल रहा, समझ लो अच्छा है, मसाला है कि नहीं है। आ जाओ साथ में लेते हैं ये, क्या बात है, बर्रा ऑनेस्टली द स्टार्टर्स आर रियली नाइस एज एक्सपेक्टेड, ब्यूटिफुल, मज़ा आ रहा है। आई लाइक हरी चटनी इनके साथ सर्व करिए, मैं नहीं डाल रहा बिकॉज मुझे एक्चुअल टेस्ट को रिव्यू करना, ऐसे नहीं हल्का सा ट्राई कर सकते हैं वैसे। बर्रा हैज़ द फील ऑफ बर्रा, येस, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है चटपटा, दिस इज़ नॉट फॉर पीपल हु लाइक ब्लैंड फूड लाइक घानी वगैरह, रिच, दिस इज़ नॉट रिच, दिस इज़ स्पाइसी रिच, ये उस वाली लाइन्स पे है, तो ऐसा कुछ है। इन टोटैलिटी स्टार्टर्स इम्प्रेस्ड मी अब तक, ये क्वालिटी अगर आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और कोई पेड रिव्यू नहीं है, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, उन्हें आपके सामने बोल दूंगा, जैसे बोलोगे बोल दूंगा, इस रिव्यू को जायज़ लेना, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ओनली बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि आप आगे ट्राई करो। आ जाओ जी, आ जाओ बिरयानी, हाँ 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 हाथ से ही खाऊँगा भैया, हाथ से ही खाएँगे। ये देखो रायता ले लें साथ में, ये देखो जी रायता ले लिया साथ में, गाइस ऑलमोस्ट एक वेजिटेबल रायता है जिसमें धनिया प्याज व्याज टमाटर दिख रहा है, हल्का सा डाल रहे हैं ज़्यादा नहीं ताकि बिरयानी का टेस्ट आए, और ये हल्की सी बाइट लेते हैं बिरयानी की, थोड़ा सा चिकन, वाह रायता ने एलिवेट कर दिया टेस्ट, ठंडा रायता नहीं होता रिफ्रेशिंग वो बिरयानी सो सो, ऑनेस्टली मज़ा नहीं आया इतना, बट बिकॉज आई एम हैविंग रायता इट्स नाइस, बिरयानी एक्चुअली में सो सो ही है, मज़ा नहीं आया जो बहुत सच है वो सच है। अब आते हैं मेंस पे, जल्दी खाते हैं, ये देखो इधर आवाज़ आ रही है, आ रही है ना, हाँ जी ये लो जी, ये बाइट ली पहली, चिकन के साथ खाते हैं, ये लो ये हल्की सी बाइट बनाई, और ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, रिचनेस होती है इलायची की, फुल मिठास हल्की, मज़ा आ गया, आ हा हा, दिस इज़ द काइंड ऑफ मील दैट आई वांट टू हैव, मस्ट ऑर्डर, जेन्युइन रिव्यू। आ जाओ साथ में कोरबा भी खाई लेते हैं, चाप का पीस, लोग कहेंगे कितना मटन खाओगे शोएब बाब, हैं हर जगह बात। ग्रेवी इज मोर और लेस सेम, प्रेफरेंस ऑफ योर मीट, चिकन खाओगे तो उतना ही मज़ा आएगा जितना मटन में आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एंड लास्ट, और बाय द वे मैंने कोई नान वगैरह कुछ नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ खमीरी। हाँ जी ये है जी नेहारी मटन है, ये देखो हाय हाय हाय, सही नहीं लग रही, पानी आना चाहिए यार, पानी आना चाहिए, ये 30-60-90 वाले काम है, ये मेन कोर्स वाले काम है, ये तीनों 30-60-90 वाले जस्ट सही अदरवाइज हैं। ओके इट्स नाइस व्हेन यू से निहारी, लेवल गोज हायर है कि नहीं है। आई लाइक कोरमा, आई लाइक बर्रा, द फिश वेरी गुड, सीख इज वेल, ये दोनों ऑल राइट, दीज आर ओके नाइस, आप समझ गए रेटिंग के हिसाब से, आके ट्राई करना, दिल खुश होगा, जितना खाता खाता हूँ बाकी पैक कराता हूँ फिर आप समझ। ऑलराइट गाइस जस्ट हैड माय मील एंड अच्छा लगा, फ्यू थिंग्स दे नीड टू इम्प्रूव ऑन, रेस्ट आई थिंक द फूड वॉज गुड, जो जो चीज़ें मैंने जिसकी तारीफ की वो ज़रूर ऑर्डर करना, इज़ ओनली बिकॉज वहाँ पे ना हल्की इंश्योरेंस आ जाती है क्योंकि मैंने ट्राई किया। अब दूसरा सवाल ये होता है कि क्या आपको वो ट्रीटमेंट देंगे जो मुझे मिला, मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ ऑफ कैमरा की अच्छे से सर्व करना, क्रेडिबिलिटी की बात होती है हमारे और हमारे व्यूअर्स के बीच में, और ये रिश्ता एक ऐसा है जो कायम रहना चाहिए हमेशा। एम आई फूड सेंटर, रोडियो ड्राइव, सेक्टर 49, गुड़गांव,
डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स डाल दूंगा। ना मिले करो दबा के फ़ोन करो, इतना परेशान नहीं उठाते फिर कर पहुँचो पर और ट्राई करो एंड देन लीव अ कॉमेंट, ठीक है कि नहीं है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। इंस्टाग्राम पे रोड शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोड ब्लॉग्स देखेंगे, भाई फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, टेक केयर, हैव फन।